पिंडदान की नगरी गया में इस वक्त हमारी मौजूदगी है। ये गया सदर विधानसभा सीट है जहां से बिहार के कृषि मंत्री प्रेम कुमार पिछले 30 साल से लगातार जीतते आ रहे हैं, लेकिन इस बार यहां का क्या है चुनावी माहौल, ये समझने के लिए हम लोगों से बात करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? राजेश बली। राजेश जी, ये बताइए कि क्या माहौल है चुनाव? देखिए, अभी कोरोना काल में बिहार सरकार और चुनाव आयोग के द्वारा जो निर्णय लिया गया है चुनाव का, इससे थोड़ा जनता में संशय है, क्योंकि एक तरफ सोशल डिस्टेंसिंग की बात है और दूसरी तरफ चुनावी प्रक्रिया में सहभागिता है, तो जनता में थोड़ा संशय है। और 28 अक्टूबर को गया में पहले चरण में ही मतदान है। संशय किस चीज़ का है? क्या वोटिंग परसेंटेज कम होने का है? निश्चित तौर से मुझे लगता है कि इस बार कोरोना के कारण वोटिंग परसेंटेज घटेगा। क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम विनय कुमार बस है। विनय जी, बताइए क्या माहौल है यहाँ पर, किसका पलड़ा भारी है? अभी तो मेरे समझ से चुनाव होना सही समय नहीं था, कोरोना काल में लोग अभी भयभीत हैं और भय के कारण घर से। तो फैसला हो गया जो होना था, अब तो हो रहा है चुनाव। हाँ, तो चुनाव तो होगा ही। और जीत रहा है हार रहा है? देखिए, अभी तो बताना मुश्किल होगा, अभी तो लोग कैंडिडेट भी करीब करीब फाइनल नहीं हुआ है। कांग्रेस का तो अभी कैंडिडेट फाइनल नहीं हुआ है, तो कैंडिडेट को देखने के बाद ही कुछ पता चलेगा कि लग रहा है कि टक्कर की स्थिति में है महागठबंधन एनडीए के। महागठबंधन के कैंडिडेट पर निर्भर करेगा, किस छवि का कैंडिडेट यहाँ पर मिलता है उसके आधार पर ही तय किया जाएगा, कैंडिडेट के आधार पर निर्भर होगा। क्या नाम है सर आपका? प्रमोद कुमार। प्रमोद जी, बताइए क्या माहौल है यहाँ पर, किसका पलड़ा भारी है? माहौल चुनावी माहौल शुरू हुआ है, अभी बहुत ज़्यादा माहौल पे चर्चा नहीं कर पाएंगे हम लोग, मगर आने वाले एकाध सप्ताह के अंदर ये देखा जा सकता है कि माहौल किसके पक्ष में जाएगा। यानी माहौल कभी भी बदल सकता है? जी, माहौल बदल सकता है। सर, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम प्रमेंद्र अग्रवाल है। ये बताइए क्या माहौल है, कौन जीत रहा है हार रहा है? अभी कोई माहौल नहीं है, अभी तो प्रत्याशी ने कोई ने नॉमिनेशन फाइल नहीं किया, तो जनता को यही नहीं मालूम है कि अभी कौन कौन खड़ा हो रहा है गया शहर से, तो किसको वोट दिया जाए। 15 साल एनडीए बनाम 15 साल महागठबंधन, कौन किस पर भारी? एनडीए भारी है। महागठबंधन कहीं टक्कर में दिख रहे थे, तेजस्वी यादव कहीं टक्कर में? नहीं है। क्या नाम हुआ भाई आपका? मेरा नाम शंकर कुमार लहरी हुआ। शंकर जी, बताइए कि कौन जीत रहा है हार रहा है? तो इलेक्शन पता करेंगे ना सर, अभी तो वोट तो आप ही लोग देंगे ना? वोट तो हम ही लोग देंगे। माहौल क्या है? मंत्री जी प्रेम कुमार जी जीतते आ रहे हैं 35 वर्ष से, आप देख रहे हैं इस बार भी पूरा जोर शोर से लगे हुए हैं, आगे का बाकी। सरकार किसकी बन रही है ये अभी निर्णय नहीं है सर सरकार में, लेकिन आपको डर है, मतलब मंत्री जी आपके यहाँ से जीत जाएंगे प्रेम कुमार, लेकिन सरकार में डर लग रहा है, संशय है। चलिए कुछ और लोगों, क्या नाम हुआ भैया आपका? मेरा नाम संजय कुमार हुआ। संजय जी, बताइए कि 15 साल एनडीए बनाम 15 साल महागठबंधन, कौन किस पर भारी है? अभी तो इस पर लालू जी का राज अच्छा था, नीतीश जी का था तो नीतीश जी का भी अच्छा है, लेकिन ये बार बार पलटी खा जाते हैं, समझे ना, इससे दिक्कत है। और हम इस विधानसभा क्षेत्र के नहीं हैं, हम टिकारी विधानसभा क्षेत्र से हैं। मतलब हैं तो बिहार के ही वोटर ना? जी। तो मतलब उनके पलटी मारने से लोगों में दिक्कत है? हाँ, दिक्कत है। लेकिन अभी भी तो बीजेपी कह रही है, एनडीए कह रही है कि वो नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ेंगे, तो उन लोग के क्या अपना थी है, उन लोग अपना समझे ना, इसमें जनता ही क्या, जनता का जो है वोट के दिन अपना निर्णय लेगा। तो वोट किसके नाम पर पड़ेगा, अगर एनडीए को पड़ेगा तो नीतीश के नाम पर पड़ेगा या मोदी के नाम पर पड़ेगा? मोदी जी के नाम पर पड़ेगा, अगर पड़ेगा तब। तेजस्वी यादव कहाँ है लड़ाई में? तेजस्वी यादव सेकंड नंबर पर हैं लड़ाई में, हैं हाँ। सेकंड रहेंगे। मतलब सरकार एनडीए की बन रही है। चलिए थोड़ा एक मिनट। क्या नाम है आपका? राजेश कुमार। राजेश जी, क्या माहौल है चुनाव का, कौन किस पर भारी है? अभी तो सर नीतीश कुमार भारी है। नीतीश कुमार भारी है। हाँ। तेजस्वी यादव कहाँ है लड़ाई में? तेजस्वी यादव तो अभी तो मोहल्ला में कोई चर्चा ही नहीं है, अभी सब नीतीश कुमार। तेजस्वी यादव के नाम की चर्चा ही नहीं है, सब नीतीश कुमार करें वोट। कौन से मोहल्ले से हैं आप? रामशिला। यहीं गया में ही ना? हाँ। तो वहाँ किसका वोट सबसे ज़्यादा है? सब नीतीश कुमार को देगा वोट। नीतीश कुमार को वोट देगा। ये देखिए समोसे और चाट की दुकान है, और जो गर्मा गर्म समोसा छान रहे हैं उनसे भी बात करेंगे।
क्या नाम हुआ भाई साहब आपका? हमारा मंटू नाम है। मंटू जी, ये बताइए किसकी सरकार बन रही है? इसकी नीतीश जी के बनेंगे और क्या। नीतीश जी के वोटर हैं आप? तेजस्वी यादव हैं कहीं लड़ाई में? हैं? तेजस्वी हैं कहीं लड़ाई में? तेजस्वी लड़ाई में नहीं है। एक भाई साहब ने कहा कि नीतीश कुमार पलटी बहुत मारते हैं, लोगों में उसकी नाराजगी है। अभी तो उसी का चल रहा है यहाँ सर। उनके पाला बदलने से आपको कोई दिक्कत नहीं होती? क्या दिक्कत हम लोगों को, तो कुछ किसी को बदलने ना बदलने तो कोई दिक्कत का। सरकार किसी की भी रहे आपको कोई उससे फर्क नहीं पड़ रहा आप जैसे लोगों को? हम लोग को क्या होता है, हम लोग को कुछ फर्क है, हम लोग तो जहाँ है वहीं है। लालू जी का राज बेहतर था नीतीश जी का? नीतीश सब 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 बेरोजगारी। हाँ तो आइए ना बताइए बेरोजगारी का मुद्दा। ठीक है पैसा दे दीजिएगा, दो मिनट वेट कर लीजिए। बेरोजगारी का क्या मुद्दा आपको लग रहा है? बेरोजगारी दूर नहीं हो रहा, चाहे कोई आ जाए, बीजेपी आए, कांग्रेस आए, आरजेडी आए, बेरोजगारी दूर नहीं हो रहा। बेरोजगारी दूर होना चाहिए। बाहर में लॉकडाउन में लोग फंसे हुए थे, यहाँ आ गए। यहाँ आने के बाद स्थिति यह है कि खाने लाले हो रहे हैं। लॉकडाउन में तो नीतीश जी ने शुरुआत में कहा कि वो वापस नहीं बुलाएंगे, फिर प्रेशर पड़ा तो उन्होंने वापस फिर बुलाया। तो वहाँ भी क्या करेंगे, लोग भूखे पड़े क्या करेंगे। लास्ट में तो अपने घर आना है ना, लोग अपने घर आए, आने के बाद यहाँ भी वही हाल है, बेरोजगारी भूखापन। क्या नाम है चाचा? हमारा शिवलखन नाम है। शिवलखन? शिवलखन जी, कौन जीत रहा है हार रहा है? अच्छा आप तो बुजुर्ग भी हैं, तो नीतीश लालू कौन बेहतर? ये तो हम अभी नहीं बता सकते हैं, फिर तो अच्छा अभी नहीं बताएंगे। 28 का इलेक्शन है तब 28 को बताएंगे, भारी पड़ेगा उसी को देंगे। समझे? सरकार किसकी बन रही है? सरकार तो अभी पलटी, कुछ होना चाहिए, परिवर्तन आना चाहिए, क्योंकि बहुत जनता लोग तबाह हो रहे हैं। लग रहा है कि परिवर्तन होगा? परिवर्तन होगा तो कौन है ऑप्शन आपका, किसको देंगे फिर? हम लोग तो देंगे, मोहल्ला में टीला धर्मशाला पर रहते हैं। नहीं मतलब अगर नीतीश कुमार नहीं है, नहीं चाहिए तो कौन चाहिए फिर? ये तो अभी नहीं बता सकते हैं कि किसका पल्ला भारी होगा, ये हम नहीं बता सकते। तो किसका पल्ला भारी होगा ये गया के वोटर फिलहाल खुलासा इसका नहीं कर रहे हैं, सबकी अपनी अपनी राय है। 28 तारीख को गया जिले में पहले चरण के तहत मतदान होंगे, तब फैसला होगा कि आखिर बिहार किसका। मेरे सहयोगी आनंद कुमार और बिमलेंदु के साथ उत्कर्ष कुमार सिंह, बिहार तक गया।